ओके चले हम इस पे हम अप्लाई करते हैं टैक्स किस तरह से अप्लाई होगा हमारी जो बिलिंग ऐप है इसके ऊपर। तो आपने यहाँ पे डबल करके एक वेरिएबल ले लिया टैक्स के नाम से और उस पर हमने टैक्स लगा दिया सपोज टू बी 15%, ये टैक्स इस पर लगेगा। हालांकि यहाँ पे टैक्स की वैल्यू फिक्स होती है, हम कॉस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल ले लें, वेरिएबल चेंजेबल होता है लेकिन कॉस्ट करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगी वैल्यू, तो रीअसाइन नहीं हो पाएगा। अब टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमारा जो टैक्स है बेसिकली लास्ट अमाउंट हमारा टोटल के अंदर था, टोटल माइनस डिस्काउंट हुआ तो टोटल में चला गया। अब डिस्काउंट से पहले टैक्स लगाना है तो यहाँ पर टैक्स लगेगा, डिस्काउंट के बाद टैक्स लगाना है तो यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो डिसाइड कर लें कहाँ पर टैक्स लगाना है। तो अगर हम डिस्काउंट से पहले लगा लेते हैं सपोज टैक्स, तो फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैसे, टोटल लेंगे, यहाँ पे टोटल के साथ लिखेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं टोटल मल्टीप्लाई बाय टैक्स और डिवाइड बाय 100, इस पे निकल आएगा टोटल के ऊपर। अब ये टैक्स हम अगर टैक्स में लेना चाह रहे हैं तो ऐसे कर लें, ठीक है ना, तो टोटल से टैक्स मल्टीप्लाई होकर जो भी टैक्स का अमाउंट निकल के आएगा वो टैक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब जो टैक्स में आ जाएगा तो फिर इसका बना लो आउटपुट कैसे बनेगा, तो मैं इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ कि भाई ये इसका जो टैक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट होकर आया। तो यहाँ पे दो तरह से टैक्स को मैं दिखा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज टू बी टैक्स और कितना परसेंट लग रहा है टैक्स की वैल्यू दिखा देते हैं, फिर टैक्स कैलकुलेट हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टैक्स, तो यहाँ पे टोटल टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ और यहाँ पे टैक्स। अब यहाँ पे देखें टैक्स की वैल्यू 15 लिखी हुई आएगी और यहाँ पे टैक्स की वैल्यू जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा, ठीक है, और नीचे फिर टोटल आएगा। तो टोटल को, ये टोटल को बेसिकली हमें कहाँ दिखाना था, फिर टोटल फिर यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, फिर टोटल दिखाया जाएगा यहाँ पर इसके बाद इस जगह पर, ठीक है, ताकि पता चलेगा भाई टैक्स और टोटल किस तरह से आउटपुट में आ रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं प्रोग्राम को। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, डबल की स्पेलिंग गलत है, शाबाश, तो यहाँ पर डबल की स्पेलिंग को सही कर लिया, रन कर दिया प्रोग्राम को। अब क्या रहा है, क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेड इन प्राइमरी बिफोर, अच्छा अब सही, गलती करी है ना मैंने, ये हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, हो गया कैलकुलेट। हाँ 15% अमाउंट है ना, 1 2 3 4 4 लाख पे 15% टैक्स लगेगा, तो टैक्स बन रहा है 64,575 रुपये। नहीं परसेंटेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना वो ये, अब उसके आगे मुझे अगर परसेंट दिखाना है तो यहाँ पर जाके मैं लेस देन लगाऊंगा और यहाँ पर परसेंट का साइन लगा दूंगा एक, तो देख लीजिए। हाँ आउटपुट दिखाना है यूजर को परसेंट ना, और टैक्स तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आए, नहीं उधर टैक्स के साथ ही ना, वहाँ नंबर ही आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया ना सॉल्व। अच्छा उसके बाद ये आ गया, टोटल भी आ गया, अब वो अभी सेट करेंगे ना नीचे, तो अब टोटल को टैक्स के साथ प्लस करेंगे, तो अब टोटल को टैक्स के साथ कैसे प्लस करेंगे, अगली लाइन पे ये टैक्स निकाला आपने, ये टोटल दिखाया आपने, तो फिर यहाँ पे आप टोटल को टैक्स के साथ कैसे प्लस करेंगे, टोटल को एक दफा फिर से अपडेट कर देंगे, टोटल प्लस टैक्स कर देंगे, ठीक है, ये वेरिएबल में आ गया, प्लस हो गया। इसको फिर यहाँ पे दोबारा से जो टोटल का आउटपुट है ये हमने बना रखा है, इसको दोबारा से यहाँ पे लेंगे और इसके नीचे यहाँ पे आउटपुट दे देंगे। तो अब जब आप आउटपुट देंगे इसका, तो यहाँ पे रन करेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पे देखिए, ठीक है, टोटल बन रहा था 4,30,500, टैक्स लगा 15%, वो बन गए 64,575, टोटल हो गया 4,95,075 रुपये। अब आपका डिस्काउंट वाला मामला आपने इस पर चलाना है, तो डिस्काउंट वाला कैसे चलेगा, अब यहाँ पे देखिए सी आउट आपने कर रखा है क्या, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में मैंने यहाँ पे माइनस और डिस्काउंट की वैल्यू लगाई, अब डिस्काउंट हमने इस पर किया ही 100 रुपये का डिस्काउंट किया हुआ है ना, तो इसलिए 100 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 500 की वैल्यू इनपुट करेंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे 500 माइनस हो जाएंगे, फिर टोटल की वैल्यू में से जो भी डिस्काउंट है माइनस होकर टोटल को अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे डिस्काउंटेड अमाउंट हमारे सामने आउटपुट पे आ जाएगा, 4,95,075 में से 500 रुपये माइनस होंगे तो 4,94,575 रुपये आ जाएगा, सही है, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा।